छतरपुर में पुलिस बल ने हिस्ट्री शीटर दीपू जाटव का मकान बुलडोजर से गिरा दिया है। हिस्ट्री शीटर दीपू जाटव और उनके पिता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं दूसरी कार्रवाई पुलिस बल ने भू माफियाओं द्वारा कब्जा करके गौशाला चलाए जाने वाली जमीन पर। छतरपुर पुलिस ने बदमाशों को मिट्टी में मिलाने का ठान लिया है। पुलिस बल हिस्ट्री शीटर बदमाश दीपू जाटव के उस घर में जेसीबी मशीन लेकर पहुंची जहां 3 दिन पहले हिस्ट्री शीटर बदमाश दीपू जाटव और उसके परिजनों ने पुलिस टीम पर पथराव किया था। जब पुलिस इस हिस्ट्री शीटर बदमाश के घर पहुंची तो डीजे पर सिंगम फिल्म का गाना बज रहा था। जैसे सिंगम में अजय देवगन बदमाशों पर कार्रवाई करता है, वैसे ही पुलिस ने कार्रवाई करके इसका मकान जमीन दोज कर दिया। वहीं दूसरी कार्रवाई पुलिस ने पन्ना रोड पर स्थित जमीन पर की। ये जमीन आयकर विभाग की है जिसे भू माफिया ने कब्जा कर लिया था और उस पर गौशाला चला रहा था। पुलिस ने जेसीबी मशीन से गौशालों को धराशायी कर दिया। पुलिस ने जमीन को भू माफियाओं के कब्जे से छुड़ाकर आयकर विभाग के अधिकारियों के हवाले कर दी। छतरपुर मौजा के अंतर्गत आयकर विभाग की जमीन 5 एकड़ थी, जिसमें से 1 एकड़ के लगभग कमल जैन पिता कुन्नलाल जैन के द्वारा बाउंड्री बना के और मकान बना के अतिक्रमण किया गया था, जिसमें तहसीलदार के द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत विधिवत कार्रवाई की गई। कार्रवाई को उपरांत इनको बेदखली आदेश जारी किया गया और आज यहां पर मौके पर इनका जो अतिक्रमण था उनको हटाया जा रहा है। प्रशासन और नगर पालिका द्वारा या फिर अपराधिक जिनके द्वारा अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है और इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जाए उस पर कार्रवाई की गई है। तो आज दीपू जाटव जिसके करीब 12-13 अपराध था और जिसका घर अवैध बिना परमिशन के नगर पालिका के बनाया गया था, और दूसरा जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इनकम टैक्स को जमीन अलॉट की गई है प्रशासन द्वारा, वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।